ओके गुड शुभी, मॉर्निंग सर। बेटा यस रवि सर ने अभी कहाँ तक पढ़ाया है? सर, रवि सर ने लास्ट क्लास में सर टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ाया था, सब ओके फंक्शंस ऑफ मसल्स कंप्लीट हो गए थे ओके ओके वेरी गुड, सर। कंप्लीट। हाँ सर आप सैटरडे को स्कूल आते हैं? हाँ आते तो हूँ। ओके सर। कौन कौन? सर हिमांशु। हाँ हिमांशु बताओ। बेटा सैटरडे को आज तो जाना है, खैर कल का मुझे मालूम नहीं है। नो सर, मैं वेनेसडे को आया था तो आप थे नहीं, तो मैंने इसलिए पूछा। नहीं तो आज तो मैं रहूंगा ना, आज रहूंगा, ओके सर। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं रहूंगा। 12 बजे, 12 बजे से 1:30 बजे तक ही मिल पाऊंगा, 1:30 पौने 2 तक। ओके सर। हाँ तो जो भी काम हो उसी टाइम पे अपना निपटा लेना। खैर तो जो हम लोग बात कर सर रहे थे टाइम टीचर, क्या बताया आपने अभी? मैं फिर से बताइए किस टाइम रहेंगे आप? 12 से 2 बजे, 2:30 पौने 3 तक। ओके सर, आ जा सकते हैं, बता बिल्कुल आ जाओ। देंगे ना आप? क्या बता देंगे? इम्पोर्टेंट कुछ नहीं रहते, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। बता देंगे। ओके ओके तो रवि सर ने फंक्शन ऑफ मसल्स कंप्लीट कर दिया था, अब इसके आगे हम लोग सीधे मूव कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके तो ये आपको भी पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अनन्या तुम ही बता दो, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? अनन्या खैर चलिए। हाँ बेटा क्या बोला आपने? कुछ बोला क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन हमारा काम करता मेनली लंग्स काम करते हैं। है? ओके चलिए तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग एंड द यूजिंग ऑक्सीजन व्हाइल एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द प्रोसेस बाय द विच द ह्यूमन बीइंग टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम केमिकल चेंजेस विद इन द सेल्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इज द डिसेंसिबल फॉर द ह्यूमन बॉडी इफ द इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन इज कंप्लीटली सस्पेंडेड फॉर द मोर देन 4 मिनट द पर्सन यूजली डाय। So our body needs a continuous supply of the oxygen. Some chemical changes take a place in the tissue cell. The main product of these chemical changes is CO2. A continuous elimination of the CO2 is essential. In fact, the respiration is the two-fold process. One is called the internal respiration and the other is external. The inhalation of the oxygen is followed by some chemical changes in which the waste product are the form. The exhalation of the waste product take place. The process of the inhalation of the O2 and the exhalation of CO2 plus H2O is called the respiratory system. देखिए इन्होंने इसमें चीजों को थोड़ा घुमा दिया है। अब इसको यदि हम लोग सीधे हिंदी में समझते हैं या सीधे सीधे बात करते हैं तो रिस्पायरेशन है यानी जो हमारा श्वास तंत्र है वो एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको बरकरार रखते हैं वाइल एलिमिनेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये एक क्लास फर्स्ट का या थर्ड का बच्चा भी जानता है कि जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें दो प्रोसेस होती है, इनहेल और एक्सहेल। तो इनहेल जब हम करते हैं तो O2 को यानी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल हम किसको करते हैं? CO2 को। तो सीधी कंप्लीट प्रोसेस में चलते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यदि हमको 4 मिनट तक ऑक्सीजन ना दी जाए तो हम इस ये कह लीजिए कि हमारा जीवित रहना पॉसिबल
नहीं है। और जो ये चेंजेस होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई, उसके बाद उसने हमारी बॉडी में कोई केमिकल चेंजेस किए, केमिकल प्रोसेस की, और उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज किया, और हम हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो हमारे लंग्स है, जो डायफ्राम है, ये सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, और जो हमारी सेल्स टिश्यूज होती हैं उनमें ये ऑक्सीजन जाती है और ये अपनी फंक्शनिंग शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही टिपिकल ऑर्गन सिस्टम होता है। यदि इसे डॉक्टरी लैंग्वेज में देखा जाए या डॉक्टर की जो एक वर्क होती है, तो वो ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे कि हम लोगों के हो सकता है होश उड़ जाए। लेकिन यदि हम लोग उस फील्ड में नहीं है या हम लोग उस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, तो हमको एक मोटी सी चीज समझनी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इस पे टूट पड़े। बस एक मोटी सी बात याद रखिए कि ये ऐसी प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, और यही एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस जो केमिकल टिश्यूज हमारे, जो केमिकल सेल्स होती हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, वो जो केमिकल चेंज करती हैं, तो उसमें जो कंप्लीट प्रोसेस बनाती है CO2+H2O की, वो आपकी रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है। अब इस फंक्शन में आपके बॉडी के या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं। इसमें आपको देखिएगा कि बुक में दिए हुए हैं कि जैसे पहला नोज आ रहा है, फिर लारिंक्स आ रहा है, फिर ब्राउची आ रहा है, फिर पैरेनिक्स आ रहा है, फिर ट्रचरा आ रहा है, फिर डायफ्राम आ रहा है, फिर लंग्स आ रहा है। तो ये सात जो इसमें डायग्राम है या सात जो इसमें नेम मेंशन है, इसी के अकॉर्डिंग यदि समझा जाए तो वो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा, घटना नहीं है बिल्कुल। बस एक बड़ी सी चीज याद रखिए कि इसमें O2 और CO2 दो का ही रोल होता है, और हमारी जो टिश्यूज होती हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, उनकी वर्किंग होती है। अब हम लोग नोज की बात करते हैं। द नोज इज द स्पेशल ऑर्गन ऑफ द स्मेल। जो हमारी नोज होती है वो एक स्पेशल ऑर्गन है। किस चीज के लिए बनी है? ये किसी भी चीज की स्मेल लेने के लिए बनी है। इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रेस्पिरेशन। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है श्वास तंत्र में। इट कंसिस्ट द टू पार्ट। इसके दो तरह के काम होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फीचर और एक होता है इंटरनल कैविटीज। तो एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। इट इज द कंपोज इन द ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क ऑफ द बोन एंड द कार्टिलेज कवर्ड बाय द स्किन। ऑन द इनर साइड ऑफ द नोज देर आर द टू ओवल शेप ओपनिंग कॉल्ड द नोट्रिस। तो देखिए, इन्होंने जो उसका फीचर बताया, जो उसका स्ट्रक्चर बताया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये बोन की बनी एक ऐसी आकृति होती है जिसको ट्रायंगुलर शेप में आप देखते होंगे। और सही बात है, नोज जो होती है आपकी ट्रायंगुलर शेप में ही होती है, वो ऐसा कोई शेप नहीं होता। बहुत ही कुछ ऐसे खूबसूरत लोग होते हैं जिनकी अलग तरह की नोज होती है, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हम लोग जो है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, तो हम लोगों की जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क में होगा नोज का, और ये कवर्ड होती है स्किन से। इसके जो अंदर टू ओवल शेप के, मतलब आप देखते होंगे इसमें नोज बने होते हैं, नॉस्ट्रल बने होते हैं, जो हमें श्वास लेने में मदद करते हैं। अब हम इंटरनल और नॉस्ट्रल कैविटीज की बात करते हैं। दीज टू कैविटीज आर स्प्रेडेड बाय द पार्टीशन और द सेप्टम एट द एंट्रेंस। ईच कैविटी एंड द वेस्टिबल हैव द नर्वस कोर्सेस हियर। आप देखते होंगे कि आप लोगों ने यदि गौर किया हो, यदि आप थोड़ी सी अपनी नाक को शीशे के सामने करके देखें और हल्का सा अंदर की तरफ देखें, तो इसमें बहुत छोटे छोटे से वो आपको हेयर दिखाई देंगे। अब कोई मुझको बताए कि इन हेयर का आखिर वर्ग क्या होता है, कोई बताएगा? सर वो एयर को फिल्टर आउट करने में हेल्प करते हैं, जो भी मीन्स पार्टिकल्स होते हैं हमारे आउटसाइड के, उसको पोल्यूशन को उससे अब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्योर अच्छा बनाते हैं अच्छा अमित कुछ उसको। पूछना चाहते हो क्या बेटा? सर यही अमित, बताने के लिए, सर यही बताने के लिए हैंड रेज किया। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जितना अभी तक बताया उसमें किस नहीं है,
अब उसके बाद फिर अच्छा अनन्या तुमने एक चीज तो बता दी कि फिल्टर करने का काम होता है हेयर का, और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम क्या होता है एयर को इनटेक करने में और फिल्टर आउट करने में? दो दो फंक्शंस बता तो दिए, दूसरा और बताओ। तीसरा आप बता दीजिए। तीसरा देखो भाई बहुत ही, तीसरा सबसे जो इस बैच का या इस क्लास का जो सबसे खतरनाक इंसान होगा वो बताएगा और मैं पूछूंगा। भाई रुक जाओ, तीसरा किससे पूछा जाए? कोई खतरनाक इंसान भी नहीं दिख रहा इसमें। हाँ मोहम्मद अबू बकर से पूछते हैं। अबू बकर अबू बकर जी सर बताओ तीसरा, इसका तीसरा फंक्शन क्या होता है हमारे नॉस्ट्रल का? जल्दी से बताओ। पता नहीं सर, है पता नहीं, पता नहीं मतलब यार, मतलब अपने आप को उस जगह पे रख के सोचो जरा सा कि और क्या हमारी नाक कर सकती है। खाने की स्मेल तो बड़ी तेज सूंघ लेते हो कि कबाब पके हैं बेहतरीन की नहीं पके हैं। हाँ स्मेल लेने में। अच्छा हाँ स्मेल लेने में, यस सर। स्मेल लेने में, अभी हम कहते थे कि नाक छिड़कने में भी तो यूज होता, तो वो ना मानते। धुआं फेंकने। नहीं यार तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, मतलब जितना रटा उतना रखते हो, थोड़ा अपनी तरफ से दिमाग लगा लेते यार। खतरनाक हूँ क्या मैं सर? मैं खतरनाक हूँ क्या मैं? नहीं मैं खतरनाक का मतलब ये थोड़ी ना होता कि खतरनाक का मतलब होता है कि बहुत जो लड़का लड़ाईला झगड़ाईला होता है उसको नहीं खतरनाक बोलते। जी जैसे जो सीधे बच्चे होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। जैसे देखो ये है अनन्या लोग हैं, ये खतरनाक किस्म के प्राणियों में इनकी गिनती होती है, ठीक है? तो तुम अपने आप को खतरनाक ना मानो। खैर थोड़ी देर को क्लास में मनोरंजन भी होना चाहिए, हो गया। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मुझको ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो उस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन हाँ जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा उस चीज को हल्का सा पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट पूरा टेंथ का है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी मैथ्स नहीं कह रहे, दिक्कत तो खैर कुछ नहीं होती, दिक्कत तो आपको खैर कुछ नहीं होती, तभी आप लोग क्लास नहीं अटेंड करते। खैर कोई बात नहीं, तो जो हमारा नेक्स्ट आता है, आप फिर टॉन्ट मार रहे हैं ना हम पर? नहीं मारता, देखो बेटा मैं कभी किसी को डिमोरलाइज नहीं करता, कभी मेरी आदत ही नहीं है। बस हाँ थोड़ा सा मेरी एक ये आदत है, आप लोग चाहे उसको अच्छा कहो या बुरा कहो, मैं बच्चों को हमेशा अपने टच में रखता हूँ, ठीक है? और एक एक तरह से ये कह लीजिए कि आप लोगों को अपना एक पार्ट मान के चलता हूँ, इसीलिए आप लोग को इतना सब कुछ कहता हूँ। अदरवाइज यदि मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करूँ तो बेटा मुझ में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अरे सर मैंने भी नॉर्मल बोला, क्योंकि मैं भी ऐसे बोलती हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो एज ए यदि एज ए टीचर सोचा जाए तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन हम एज ए टीचर आप लोग को नहीं ट्रीट करते, हम आप लोगों को एक अपने छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं, ताकि आप लोगों के अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकें, ठीक है? और यदि हम एज ए टीचर बिहेव करने लगेंगे तो फिर वो दिक्कतें हो जाती है ना, आप हमसे कुछ कह पाओगे ना हम आपसे कुछ कह पाएंगे, इसलिए हम क्लास को बिल्कुल नॉर्मल वे पे चलते हैं लेके, ठीक है? खैर चलिए, तो देखिए अब आप लोगों के लिए मैं कुछ वर्क दे रहा हूँ। खुशी आजकल क्लास में कुछ बोल नहीं रही है, खुशी है क्लास में? खुशी गुप्ता खुशी जो एक पूरी प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता दी। फंक्शन कैसे करते हैं, यदि आप फंक्शन को देखें तो मैं आपको एक मोटा मोटा बताता हूँ कि जैसे ही आपने ऑक्सीजन ली, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो जो आपके डायफ्राम होते हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और जब एयर अंदर जाती है तो ऑक्सीजन अंदर हमने ली, अब वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचकर वो हमारे ब्लड में घुलना शुरू होती है,
और वो ब्लड में घुलने के बाद फिर वो हार्ट में जाती है, हार्ट से पहुंचने के बाद वो हमारी पूरी बॉडी की जितने भी सिस्टम है, जितने भी हमारी सेल्स है, जितने भी हमारे टिश्यूज है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, सब जगह वो ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारी बॉडी की नीड्स है, वो ऑक्सीजन कंप्लीट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक CO2 की जरूरत होती है, सॉरी एक O2 की जरूरत होती है ऑक्सीजन की, और दूसरा वाटर की। तो वाटर ये भी आप बाहर से ले रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन तो क्या होगा, पानी यदि आपको नहीं मिल रहा है तो बॉडी आपके जो शरीर के अंदर का पानी है उसको यूज करना शुरू कर देगी, और फिर क्या होगा कि कुछ समय बाद आप वीक होते चले जाएंगे, या आपके जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर दें। यदि किसी को पानी ना दिया जाए तो उसका लीवर और किडनी सबसे ज्यादा इफेक्ट लेती है, सबसे ज्यादा डैमेज इन्हीं दो ऑर्गन्स में होता है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का वर्क होता है वो किसका होता है, किडनी का होता है, और जो लीवर का काम होता है, लीवर हमारी बॉडी का जो ये जो कितना एसिड की जरूरत है, कितना इसको देना है, तो ये सारी चीजें हमारे लीवर के काम में आती हैं। तो ये दोनों ऐसे ऑर्गन है कि इसमें यदि वाटर नहीं मिल रहा, यदि इनको पानी नहीं दिया जा रहा, तो ये खराब होते हैं। तो लंग्स में यदि देखा जाए तो लंग्स के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो होती है ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, हमारे डायफ्राम कुछ ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो आज आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं उनको आप पढ़ेंगे, जैसे डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे, ब्राउची के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेचरा के बारे में पढ़ेंगे, लर्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपने कुछ समझाने की जरूरत है। सब बनाना तो नहीं है ना? नहीं, बनाना नहीं है, लेकिन हाँ इसको जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यदि पूछता है, या कभी उसने आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब लॉन्ग में ही ये आपसे पूछेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाँ सॉरी, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिए, जो भी बुक है। कुछ कल मुझे पता भी चला था कि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आप टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर पर पूछ लेता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तब आपको उसकी कंप्लीट प्रोसेस लिखनी होती है। उसके बाद जो उसमें ऑर्गन काम करते हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल सारी चीजें लिखनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप ऑफ द रिस्पायरी रिपीटेशन। तो इसमें बताने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा वो दे रहा है कि एक्सटर्नल रिस्पायरी रिपीटेशन क्या होता है और इंटरनल क्या होता है। आपको भी पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन जाने के बाद जब हम CO2 को बाहर करेंगे, ये हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें आ जाती है। इसके अंदर पढ़ेंगे चीजें समझ में आएंगी। यदि सारी चीजें हम ही बताएंगे तो फिर नाश का सबा सत्यानाश हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब फंक्शन क्या होता है वो भी आप। हाँ बेटा सर, इन फर्नेट का पॉइंट इज गिवन, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू इट्स जंक्शन विद द ऑसोफेगस एट द लेवल ऑफ द साइकोइड कार्टिलेज। सर व्हाट इज साइकोइड कार्टिलेज एंड वेयर इट इज लोकेटेड? इन व्हिच पोर्शन? सर इन पेज नंबर 136 लास्ट लाइन। पेज नंबर 136 लास्ट लाइन। ओके ये तो बहुत आगे है। नहीं बहुत आगे नहीं है, बहुत पीछे है। कौन सा पेज नंबर बोला? 136। तो यही बगल में तो है। अच्छा बगल में तो है। अब इसमें ये बताओ इसमें बायो वाले कितने हैं? इसमें बायो वाले कितने हैं? अब उसने इतना अच्छी चीज पूछी है तो थोड़ा तो बनता है। बायो वाले प्लीज रेज योर हैंड। बायो 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 देखो कोई ना बारे में पढ़ रहा होगा, सब जो है A1 में पढ़ रहे होंगे, मैथ वाले होंगे सब। है कोई बायो वाले इसमें? कोई नहीं है। आयुषी प्लीज म्यूट योर माइक। यार मैं इतनी देर से पूछो कोई बायो वाला है इसमें? कोई बायो वाला है इसमें? कोई नहीं है। हाँ तो ठीक है, खैर सुधि अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब ये देता हूँ। इसमें कह रहा था कि पेरेनिक्स लाइक्स बिहाइंड द नोट्स। देखिए आप बुक खोले इस समय पर। यस सर। बुक में आप देखिए, हाँ तो बुक में आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है। यस सर। हाँ अब उसमें आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए जो गर्दन का हिस्सा दिया हुआ है वो पेरेनिक्स लिखा हुआ है। यस सर। अब देखिए अब मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। अब मैं आपको लाइव में लाइव क्लास में लिए जा रहा हूँ। तो फॉर वन मिनट। हाँ ये रहे हम, इसको हम जरा थोड़ा सा कर दें। हाँ देख आप यहाँ पर देख रहे हैं पेरेनिक्स यहाँ लिखा हुआ है। हाँ उसने बताया कि पेरेनिक्स लाइज बिहाइंड द नोज। सबसे पहले आप ये देखिए उसने कहा कि ये जो पार्ट होता है ये नोज के पीछे होता है, यानी आपकी नोज इस जगह पे है और नोज का जो पिछला हिस्सा होता है यानी जो आपकी ये मसल आपने देखी होगी जो आपकी आहार नाल होती है जिससे हम लोग खाने को पीने को हर चीज को हम लोग क्या करते हैं
इनटेक करते हैं, खाना भी इनटेक कर रहे हैं, लिक्विड भी इनटेक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी आहार नाल के बिल्कुल बीच छूती है। समझने के लिए कभी आप अपना मुंह बिल्कुल एक थोड़ा सा मास्क है, वो ऐसा होता, मैं ज्यादा उसको डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन बस मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इसमें जो आपका नोज का पिछला हिस्सा होता है, ये कहीं ना कहीं घूमते हुए आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, कार्टिलेज जो होती है, वो कार्टिलेज से बिल्कुल लगा हुआ होता है, और ये एक तरह की मांसल पाइप होती है, ये मस्कुलर पाइप होती है, जो किसमें बेस करती है, ये जो आपकी कार्टिलेज गई है, स्पाइनल कॉर्ड जो जाती है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके हेड से बिल्कुल टेल तक जाती है। तो जो ये जंक्शन होता है विद द ऑस्टियोप्रोग्रेस इज द लेवल ऑफ द कार्टिकोड कार्टिलेज, तो ये जो गर्दन के पास ये कार्टिलेज बनाई गई है, इसको वो कार्टिलोज कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है इसको ये पैरालिक्स बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, काम के लिए तो बेटा देखिए उसकी फंक्शनिंग वो मुझको ज्यादा डिटेल में नहीं पता, और मैं ज्यादा घुमा फिरा के भी बात नहीं करूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा नेट पे इसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अ बायो स्टूडेंट और इतनी ज्यादा मुझे डिटेल भी ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मालूम, लेकिन हाँ जो मेरे पास बेसिक नॉलेज है उस बेसिक नॉलेज को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो आपका नॉस्ट्रिल से होता हुआ ये नॉस्ट्रिल का जो पार्ट होता है, यदि आप इमेजिन करें तो ये इसके बाद ये डायरेक्ट कोई ऐसी केव ऐसी नहीं होती, नॉस्ट्रिल के पास पे ही थोड़ा सा वाइड एरिया होता है, लेकिन अंदर जैसे ही पहुंचता तो एक मसल्स पाइप होती है जो हमारी बिल्कुल कार्टिलेज यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के पास होती हुई जाती है, ठीक है, जो हमारी कार्टिलेज के बगल में होती है, और ये फिर सीधे आहार नाल से जाके जुड़ती है। अब ये आहार नाल जब धीरे धीरे नीचे उतरती है तो इसके कुछ वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व जाके सीधे आपकी लंग्स की जो सेल्स होती है इस पे जाके ये मिलते हैं। तो जो भी आप ऑक्सीजन इंटेक करते हैं वो हेरी नॉस्ट्रल से फिल्टर होकर जो एयर नीचे जाती है वो सीधे इसी नॉस्ट्रिल्स के फेरनेक्स के थ्रू जो एयर नीचे उतरी वो एयर हमारे वॉल्व के थ्रू होती हुई आपके लंग्स में पहुंचती है और वहां पर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम स्टार्ट करती है। यही बेटा यही मुझको डिटेल में थोड़ा पता था, बाकी यदि आपको और डिटेल में नॉलेज चाहिए हो तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रवि सर को इन्वाइट करूंगा। तो रवि सर काफी हद तक क्योंकि वो बायो के उनका सब्जेक्ट भी रहा है तो वो मुझसे बहुत ज्यादा बेटर आपको इस बारे में डिस्क्रिप्शन कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? क्रिकोइड कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है? ये बेटा जो आपका गर्दन का पिछला हिस्सा होता है, ये जो आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा होता है, ये जो आपने यहाँ देखा होगा, यदि आप अपनी गर्दन के पास हाथ लगाइए तो यहाँ पर दोनों कंधों के जहां से आपकी गर्दन है वहां पर आप हाथ लगाई तो आपको एक गड्ढा ऐसा दिखाई देगा या उठा एक यस सर हाँ, ये जो ये हिस्सा होता है ये आपका क्रिकोइड कार्टिलेज होती है, ठीक है। इसी से यहाँ से होते हुए ही आपकी ये जो मसल पाइप होती है ये होती हुई जाती है, ठीक है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड कोई बहुत ही मजबूत बोन आपकी नहीं मानी जाती, ये सबसे सेंसिटिव बोन होती है, जिस तरह से आपकी नोज की बोन बहुत सेंसिटिव मानी जाती है उसी तरह से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड किसी तरह की कोई रीढ़ की हड्डी कोई बोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक कार्टिलेज उसको सहारा देती है ताकि ह्यूमन बॉडी बैलेंस बनी रहे, और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो एक मसल पाइप होती है जिसके अंदर मतलब करोड़ों या आप कह लीजिए करोड़ों सेल्स इसके अंदर से होकर जाती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ये कार्टिलेज बनी रहती है ताकि आपकी वो जो पाइप है, जो वो मसल पाइप आई हुई है जिसके थ्रू आप एयर को इनटेक और आउटटेक कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे और उसमें किसी तरह का डैमेज ना होने पाए, तो वो क्रिकोइड कार्टिलेज उसको सेफ्टी देती है, बस ये है इसका फंक्शन।
और कुछ नहीं ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ह्यूमन बॉडी की पूरी फंक्शनिंग प्रेजेंट होती है। ये तो अगले फ्राइडे का फ्राइडे का काम ठीक है। और इन दिन में सुबह शाम ये तो दोपहर में ये खाली दोपहर में भैया सारी बात इसी में कर लो। खाली दोपहर में ओपन ही है। हां के बाद मुंह से प्रतीक्षा वर्मा प्रतीक्षा वर्मा ठीक थैंक यू। तो जो अनन्या जो आप पूछ रही हो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरी ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग प्रेजेंट होती है। यदि किसी इंसान की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है तो इंसान सबसे पहले कोमा में जाता है या अपमान के चलिए। यदि किसी भी तरह की उसकी सेल डैमेज हुई स्पाइनल कॉर्ड की तो सबसे पहले इंसान कोमा में चला जाता है ठीक है। याद रखिएगा ये डॉक्टर वगैरह, इसलिए डॉक्टर वगैरह हमेशा कहते हैं कि आप कैसे भी गिरिए लेकिन कभी भी सर के बल और पीठ के बल ना गिरे तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है। क्योंकि जब हम सर के बल गिरते हैं तो हमारी पूरी की पूरा प्रेशर हमारी खोपड़ी पे या हमारे सर पर आता है और कहीं ना कहीं हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज्यादा लोड आता है ठीक है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए ये जो छोटे छोटे कार्टिलेज होते हैं जो पीसेस में बटे हुए होते हैं एक तरह का ये सस्पेंशन बनाते हैं ताकि हमारी कार्टिलेज डैमेज ना होने पाए, यही चीज होती है ठीक है। तो सुभी तो बेटा देखिए यदि आपको ये चीज समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं रवि सर को इनवाइट कर दूंगा। नो सर आई हैव अंडरस्टूड। ओके तो अब फंक्शन था जो फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि फंक्शनिंग कैसे होती है। इन सारी चीजों को देखिए केवल इसकी आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए बाकी सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन उसके लिए बेटर ये होगा कि पहले आप उन चीजों को पढ़िए क्योंकि हम ये देखते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे सीधे क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं ना कि वो पहले कुछ पढ़ते हैं ना वो बाद में कुछ पढ़ते हैं। तो बेटा इस तरह से किसी को नहीं फायदा होने वाला। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उसका एडवांटेज आपको आपके फाइनल एग्जाम में मिलेगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका, आपको भी पता है ये आपका कौन सा तंत्र होता है, कोई हिंदी वाला बंदा बताए मुझको। हिमांशु गौर तुम बताओ। यस सर। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है सर? इसमें जो हार्ट रहता है वो हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। और क्या क्या मतलब क्या फंक्शन होता है हार्ट का हमारे सर? इसका फंक्शन ये होता है कि पूरे बॉडी में वो ब्लड को सप्लाई करता है और जो रहता है इसमें अच्छे से तो नहीं पता, 100 पॉइंट्स पता नहीं मुझे। कोई बात नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग। अरे रवि सर रक्त परिसंचरण तंत्र आप बहुत अच्छे समय पे आए हैं। हमारी एक बच्ची है शुभी। तो शुभी का एक क्वेश्चन था, मैंने काफी कोशिश की उसको समझाने की और बताने की लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि आप उस चीज को ज्यादा बेटर वे पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें एक जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है यदि आप नई बुक रखे होंगे। नई बुक ठीक है खोल रहा हूँ। तो नई बुक में पेज नंबर 136 है। अच्छा अच्छा 136 है। जी जी रुक रुक
लास्ट लाइन पेरेनिक्स का 136 है जी सर, 136 नंबर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 136 है। हाँ हाँ हाय। इसमें सर पेरेनिक्स दिया हुआ है। हाँ इसको वो थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, क्योंकि मैंने इसको एक प्रैक्टिकल वे पे समझाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा यदि आपकी आप इसको थोड़ा बुक बेस पे समझा दें तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दोनों तरह समझा दे रहा हूँ। फायरिंग्स नई पुरानी भी खोल लूं थोड़ा सा? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, बस 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 पहुंच गया, पहुंच गया अड्डे में। मतलब आप अड्डे में पहुंच गए? नहीं 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 बस वहीं पर पहुंच गया। लंग्स फेरिंग्स लैरिंग्स था ना ये सर? हाँ वही है। फेरिंग्स मीन्स इसको हिंदी में आप ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है? पहले मैं हिंदी में समझा दूं, फिर उसमें से आप जाऊंगा। आप इसको ग्रसनी बोलते हैं हिंदी में, फेरिंग्स को। ये नासिका क्षेत्र दोनों जो होते हैं आपस में प्रवेश करने वाली वायु नाक के मार्ग को पार करते हुए आपके कंठ अथवा ग्रसनी तक पहुंचते हैं, यानी कि जो आप बोलते हो, जो आपके गले पे जो है एक थायराइड ग्लैंड वो पाई जाती है, थायराइड जिसमें, तो उसके पीछे साइड में जो है ये आपस में यहाँ पर जुड़ते हैं, पीछे मुक्त रूप से पीछे साइड में जुड़ते हैं, स्वर यंत्र के पीछे जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपकी वॉइस चेंज होती है, ठीक है? यह ठीक नासा गुहा के बाद स्थित है। एक ग्रसनी की प्रकृति भित्ति कान से आने वाली कुछ नलिकाएं भी जो है वहीं पर आपस में जुड़ती है मुख्य रूप से, जो इस भाव को कान से संबंध कर देती है। इस प्रकार ग्रसनी की संबंध पांच अवयव मुंह नाक कान पैर तथा फेफड़ों से भी रहता है, यानी कि इस जगह बहुत सी नर्व सिस्टम आपस में आके लगभग लगभग इम्पैक्ट डालती है। इनमें से प्रत्येक के लिए एक निश्चित मार्ग रहता है कि यहाँ पर आपसे क्या होता है, जो फेरिंग्स में जो है आपकी एक चीज ये भी होती है कि जो है एक आपका जो है वायु का मार्ग होता है, एक खाने का मार्ग, यहाँ से डिवाइडेशन होता है एक तरह से, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है जब आप खाना खाते हैं तो उस समय अगर आप बात करते हैं तो आपकी हिचकी या खाना वगैरह वहां पर पहुंच जाती है, तो एक वहां पर एक वाल्व सिस्टम पाया जाता है कि जैसे आप हवा लेते हैं तो ओपन होता है और खुल जाता है, बाहर की तरफ एयर चली जाती है। जैसे अगर आप खाना वगैरह खाते हैं तो वहां पर ढक्कन की तरह ढक जाता है और नली से वहां पर जो है डिवाइड होकर आपका जो है डाइजेशन की तरफ चला, एलिमेंट्री वो कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ डाइवर्ट होती है। तो वहां पर क्या होता है, दो मार्ग होते हैं, तो अलग अलग मार्ग फायरिंग्स में जो डिवाइडेशन होते हैं, तो ये ज्वेस्टर यंत्र के पीछे जो आप बोलते हैं जो है उसके पीछे पाया जाता है, ठीक है? तो अब बुक की हम बात कर लें, इसमें से मेन बुक में लिखा हुआ फेरिंग्स लेस बिहाइंड द नोज, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल ऑफ जस्ट जंक्शन विद द ओसोफेगस ऑफ एट द लेवल ऑफ द इसने कहा है कि जो है आपका जो है ये जो जो आप सांस ले रहे हैं इसमें, ठीक है, बिहाइंड द नोज उसके पीछे साइड एक मस्कुलर ट्यूब के समान एक संरचना नीचे के की तरफ आती है, बेस्ट की तरफ स्कल से, यानी कि खोपड़ी के पीछे से अगर गर्दन के पास से आप देखें, ठीक है? तो वहां पर एक जंक्शन होता है, तो ओसोफेगस जो एक पॉइंट होता है वहां पर क्या होता है, ओसोफेगस मींस आपकी एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन होता है, ठीक है? तो वो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ और वो दोनों वहां पर एक डक्ट आपस में मिलती है, एक जंक्शन बनाती है, तो वहां पर डिवाइडेशन जब मुंह का आपका मुंह से आप एयर लेते हो, ठीक है, और खाना भी खाते हो, तो दोनों एक ही जगह से जाती है, दोनों का एक ही पोर्शन, लेकिन वहां पर जाते ही वो डिवाइडेशन होता है, वहां पर एक जो है वाल्व टिप की संरचना होती है
जैसे आप एयर लेते हो तो खुल जाता है, और जैसे आप एयर लेंगे तो बंद हो जाता है। वो खाने की तरफ, जो आप जो अंदर से पानी पीते हो या खाना खाते हो, वो उस तरफ की तरफ चला जाता है। तो ये होती है फायरिंग्स। ठीक है, समझ में आया? यस सर। और क्या था? तो तभी हम जब वोमिट करते हैं कभी कभी तो नाक से भी आने लगती है वो। क्या? तो जब भी हमें वोमिट होती है तो अगर एक्स्ट्रा वोमिट होती है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट होता है ना, कॉमन जंक्शन होता है फूड पाइप का, नाक या मुंह से भी चीज लेते हैं तो वहां पर आप एक जो जंक्शन है, कहते नहीं कि एक जो है जैसे जहाँ पे दो रोडें डिवाइड होती हैं, तो वहां पोर्शन है। जब यहाँ से अंदर का जो भी मटेरियल अंदर जाता है या बाहर जाता है, उसको हम फायरिंग्स कहते हैं। वहां पर एक जंक्शन है, वहां पर से एक वाल्व सिस्टम के माध्यम से, यानी कि जो भी आप अंदर ले रहे हैं तो डिवाइडेशन हो जाता है। वो विंड पाइप की सहारा से वहां पर चली जाती है हवाएं जो है आपकी लंग्स पे, और ओसोफेगस बोला जाता है, वहां पर जो है आपके एलिमेंट्री कैनाल पर डिवाइड हो जाती है। जब आप अंदर जब उल्टी वोमिटिंग कर रहे हो, आप जब बाहर आती हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आने के बाद उस फंक्शन के बाद जो है इधर से उधर जो है आपकी डिवाइड हो जाती है। कभी कभी जो है आपके नाक से भी आ जाता है वगैरह, और मुंह से भी आ जाता है ये चीज। सर कार्टिलेज नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? ये जो लिखा लास्ट में एट द लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। देखो क्रिकोइड कार्टिलेज जो आपकी बताई जा रही है, अभी पूरी चीज वही थी जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी नोस्ट्रियल की जो पाइप होती है, वो जब नीचे की तरफ उतरती, मतलब आपके गले के पास जो आपकी आहार नाल है, जो आपकी खाने पीने की पाइप है, उसमें जाके ये अटैच होती है। उधर पर जब आपकी पाइप आती है तो उस पाइप को सेफ करने के लिए, उस पाइप की सेफ्टी के लिए गर्दन की पीछे की जो आखिरी कार्टिलेज होती है, उसको क्रिकोइड कार्टिलेज बोलते हैं बेटा। अब आया है सर, पहले नहीं आया था। हाँ, क्योंकि जब हम कोई चीज खाते हैं या पीते हैं, देखिए चीज वही है, बस समझाने का फर्क है। क्योंकि जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है, बॉडी हमारी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। यदि हम पानी पी रहे हैं तो हमारी आहार नाल में वही पाइप खुलेगी जिसमें लिक्विड जाता है, और हम लिक्विड को लेंगे, और खाना जब हम खाते हैं तो हमारी वो पाइप एक्टिवेट होगी जिसमें सिर्फ खाना जाता है। क्योंकि हमारी हमारी जो पाइप है वो अंदर से डिवाइड रहती है, वो ऐसा नहीं है कि जो है वो पूरी की पूरी एक सलग ही पाइप है। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। ठीक। नो सर, नो सर। ठीक है, तो भैया क्लास बेटा टाइम ओवर हो गया है, और आप लोग भी जिसको स्कूल आना हो कॉपी चेक कराना हो वो आ जाए, कॉपी चेक करा जाए सर। हाँ वो सर जो है बेटा, हाँ बोले बोले जल्दी बोले सर। शुभी बोल रही, फाइल्स कब सबमिट करनी है? बेटा फाइल सबमिट कर लेना। मैं फाइल सबमिट करने के लिए कि आपके एग्जाम के बाद, अभी आपके जो ये यूनिट टेस्ट होने हैं, यूनिट टेस्ट के तुरंत बाद मैं आपसे फाइल मांगूंगा। ओके सर। हाँ सर, थोड़ा गेम से एक बार और रिपीट कर दीजिए। गेम में क्या है बेटा? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है। ओके सर। Okay, student, the time is over. Please leave the class.